boss, bitch. So hey guys, welcome to another video. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे एंड्रॉयड ट्रिक्स के बारे में जो आपको शायद ही पता होंगे। तो अगर एंड्रॉयड ट्रिक्स जानने हैं तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा ताकि आप आपके मोबाइल में ये यूज कर सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो इट्स मी आदित्य, यू आर वॉचिंग टेक एपी। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे पहली ट्रिक है गूगल मैप्स के बारे में। तो अगर आपने कई बार व्हाट्सएप पे आपकी लोकेशन शेयर की है किसी के साथ तो आपकी रियल टाइम लोकेशन होती है जिसमें आपको, तो अगर आप दूसरे लोकेशन पर जाते हो तो आपने जो पहली लोकेशन भेजी थी वो लोकेशन ना दिखा के आपको दूसरी लोकेशन दिखाता है, वो रियल टाइम लोकेशन होती है। मतलब जहाँ जहाँ आप जाओगे वहाँ वहाँ के वो लोकेशन दे देगा। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट की लोकेशन देनी है। तो गूगल मैप्स को ओपन करना है, आप जहाँ पर भी हो उसके साइड में ऐसे पिन कर देना है मैप से, और मैप पे पिन करने के बाद आपको यहाँ पर शेयर का ऑप्शन मिलेगा, शेयर प्लेस। इस पर शेयर करने के बाद आप यहाँ से व्हाट्सएप या फिर और किसी को आपकी लोकेशन शेयर कर सकते हो, जो रियल टाइम नहीं होगी, वो एग्जैक्ट एक ही लोकेशन होगी। तो हमारे दूसरी जो ट्रिक है उसकी मदद से आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। आप आपके मोबाइल में ही आपके फोटोज हाइड कर सकते हो। तो आप किसे हाइड कर सकते हो, इसके लिए आपको जाना है आपके फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको इंटरनल स्टोरेज में जाना है और जिसमें आपके फ़ोटोज़ है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। जहाँ पर मैंने फ़ोटो को सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से मैं मूव कर दूंगा। मूव करने के बाद आपको यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। यहाँ पर मैं कुछ भी, यहाँ पे IMP, यहाँ पर मैंने ये फोल्डर क्रिएट कर दिया है। फोल्डर क्रिएट करने के बाद सिंपली आपको उसके सामने डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद यहाँ से आपको क्रिएट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो आपने फोल्डर क्रिएट किया था वो गायब हो चुका है। तो आप वो कैसे देख सकते हो, तो यहाँ से आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको शो हिडन फाइल्स का ऑप्शन मिलता है, उसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपका फोल्डर जो आपने क्रिएट किया था वो वापस आ चुका है। तो यहाँ पर आप उसे मूव कर सकते हो। यहाँ से आप अगर फिर से उसे डिसेबल कर देते हो तो ऐसे हमने फिर से डिसेबल कर दिया, तो हमारे जो फाइल थी वो हाइड हो चुकी है, वो आपको गैलरी में भी नहीं दिखेगी। जो आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इस ट्रिक की मदद से आप उसे हाइड कर सकते हो। आप फोटो, कॉन्टैक्ट्स या फिर और किसी फाइल को, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को आप इसे इस ट्रिक की मदद से हाइड कर सकते हो। तो हमारी अगली जो ट्रिक है उसकी मदद से आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करते आप किसी भी एप्लीकेशन को दूसरे डिवाइस में शेयर कर सकते हो। ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए आपके प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट पे ऑप्शन जाने के बाद यहाँ पर आपको माय ऐप्स एंड गेम्स में जाना है। उसमें आपको लास्ट वाला ऑप्शन मिलेगा शेयर का। शेयर में जाने के बाद यहाँ पर आपको सेंड और रिसीव का ऑप्शन मिलता है। जैसे हमें हमारे शेयर इट या फिर और किसी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन होती है उसमें हमें यहाँ से वैसे ही स्टेप फॉलो करने हैं जैसे हम उस एप्लीकेशन में करते थे। इसके लिए आपको स्पेसिफिक थर्ड पार्टी ऐप लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप सिर्फ ऐप्स शेयर कर सकते हो, इसमें आपको फाइल ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन नहीं मिलता। तो हमारे अगले ट्रिक में जैसे आप सामने वाले को आपकी फ़ोटो लिंक के थ्रू भेज सकते हो। आपको किसी भी फ़ोटो को सेंड करने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन पहले से ही होती है फ़ोटोज़ नाम करके। उसको ओपन करने के बाद आपको आपका फ़ोटो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको शेयर का ऑप्शन मिलेगा। शेयर में जाने के बाद यहाँ पर आपको क्रिएट लिंक का ऑप्शन मिलता है, उसमें आपको लिंक को क्रिएट करना है। वो थोड़ी देर में लिंक को क्रिएट कर देता है आपके मोबाइल में। तो लिंक क्रिएट होने के बाद यहाँ से आप डायरेक्टली उसे शेयर कर सकते हो आपके व्हाट्सएप या फिर फेसबुक में। तो मैंने यहाँ पर एक लिंक शेयर की है जो हमने फ़ोटो की कॉपी की थी। तो अगर हम इसको ओपन करके देखते हैं तो वो फ़ोटो वो क्वालिटी में आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो वही क्वालिटी में वो फ़ोटो आ गई। तो या तो इसमें सामने वाला ऑनलाइन देख सकता है या फिर उसको अगर डाउनलोड करनी हो तो वो डाउनलोड भी कर सकता है, जिससे आपका भी डाटा बचेगा और सामने वाले का भी डाटा बच सकता है। तो अगर एक आप शॉर्टकट यूज़र हो तो आपके ये ट्रिक बहुत ही काम आने वाले, क्योंकि कभी कभी आपका कोई टेक्स्ट कॉपी करना होता है या फिर और कुछ करना होता है
तो आपको बार बार रिसेंट ऐप में जाके दूसरे ऐप को स्विच करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके मोबाइल में रिसेंट ऐप का ऑप्शन है तो उसको अगर आप डबल टैप करोगे वो जो आपकी रिसेंट ऐप होगी वो इसमें डबल टैप करने पे खुल जाएगी, जो कि काफ़ी सिंपल ट्रिक है जो बहुत लोगों को अभी तक पता नहीं। सिंपल आपको उसको डबल टैप करना है जो कि आपकी जो रिसेंट ऐप थी वो अपने आप ही ओपन होगी। तो अगर आप किस वेबसाइट से इंफॉर्मेशन कॉपी पेस्ट कर रहे हो आपके मोबाइल में तो इस ट्रिक का आप यूज़ कर सकते हो, जो काफ़ी अच्छा है। तो ये थी हमारे टॉप 5 एंड्रॉयड ट्रिक्स जो आपको शायद ही पता होंगी। इसमें से कुछ ट्रिक पहले से ही लोगों को पता है और कुछ ट्रिक नहीं है, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको कौन सी पता थी और आपने इस वीडियो में कौन सी नई ट्रिक सीखी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।